उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर न्यूनतम स्थिति में आ गई है। 72 जिलों में संक्रमण के नए केस इकाई अंकों में आ रहे हैं। हर दिन 2.5 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,67,658 कोविड टेस्ट किए गए, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.06% रही। इसकी अवधि में संक्रमण के 163 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 260 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं। 1,788 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में अब तक 5,81,11,746 टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 16,80,980 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टीम 9 के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों में सेवारत स्थायी व अस्थायी कार्मिकों की सभी देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए। कार्मिकों के वेतन आदि से संबंधित भुगतान की फाइल कतई लंबित न करें। इस दशा में संबंधित विभाग अध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी। कोविड काल में जिन सरकारी अथवा अधिग्रहित निजी चिकित्सा संस्थानों ने सहयोग किया है, उनसे संबंधित सभी भुगतान प्राथमिकता से किए जाएं। चिकित्सकों व नर्सों जैसे हेल्थ वर्कर अथवा फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के देय को व मृतक आश्रित लाभ आदि के प्रकरण का तुरंत निराकरण किया जाए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।